राधे राधे दोस्तों, आज का यह वीडियो वर्तमान पर ही है। हमारा भूत, हमारा भविष्य यह वर्तमान पर इतना जोर इस वजह से देता है क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि आप कार्य कर रहे हैं, वह जो भी कार्य कर रहे हैं वह वर्तमान में ही कर रहे हैं। कुछ क्षण बाद यह आपका भूत अर्थात पास्ट हो जाएगा और जिस कार्य को आप कर रहे हैं वह आपके आने वाले भविष्य को प्रभावित करता है। इसका साफ अर्थ यह निकलता है कि वर्तमान ही जीवन जीने का नाम है। आप अपने भूतकाल और भविष्य को वर्तमान में किए गए कार्यों से प्रभावित कर सकते हैं। अपने वर्तमान का प्रयोग ऐसे कीजिए जिससे आपका भूत पास्ट लाइफ यादगार बन जाए और वर्तमान में किए गए प्रयास इतने मजबूत हों कि आपका भविष्य इससे प्रभावित होने लगे। वैसे भी एक कथन कहा गई है जो सत्य है कि भूतकाल में की गई कार्यों को बदला नहीं जा सकता, अर्थात आपका जो पुराना भूत समय था उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते और आपका अपने भविष्य पर कोई कंट्रोल नहीं है। इस प्रकार आप अपने भूत पे ना ही आपका बस चलता है, ना ही आपके भविष्य पे बस चलता है। केवल आप अगर कुछ कर सकते हैं तो वह वर्तमान में है। वर्तमान में आप जितना प्रभावित काम, मजबूत काम करते हैं वह आपके भूतकाल और भविष्य को उतना ही मजबूत बनाता है। यह आपके भूत और भविष्य को इतनी मजबूती देता है कि आने वाले दशक पर आपका भूतकाल इतना प्रभावित होगा कि आप जब भी पलट कर अपने भूत को देखेंगे तो आपको अपने ऊपर गर्व होगा और आने वाला भविष्य इतना ताकतवर होगा कि आपको महसूस होगा कि मेरे छोटे प्रयासों से मेरा भविष्य कितना मजबूत हो चुका है। आप अपना वर्तमान चुनें जिससे आपका भूत और भविष्य दोनों मजबूत हो। आज आप जिस भी कार्य को करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, उसको इतनी मजबूती के साथ करें कि आपके आने वाले समय पे इसे याद कर आप प्रसन्न हों और आने वाला भविष्य आपका इतना प्रभावित हो कि आपको उससे गर्व महसूस हो। राधे राधे।